अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, हैदराबाद यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से एक मीटिंग रखी गई, एक इजलास रखा गया कि कैसे साफियों को जो सहूलतें देने का वादा किया गया था तेलंगाना हुकूमत की जानिब से, वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से साफियों में बेचैनी है और नाराजगी भी पाई जा रही है। अलहदा तेलंगाना से पहले के चंद्रशेखर राव बड़े बड़े दावे और वादे किए थे, लेकिन कोई भी वादा वो मुकम्मल नहीं कर सके। इसी बात को लेकर, इसी फिक्र को लेकर ये इजलास रखा गया। बाद अजा विराहत अली ने मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। तकीर रहमान के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। प्रजा సంఘాలు సంఘీభావం ప్రకటించాయి. ఫిబ్రవరి 26న 2020 అపరిష్కృతంగా ఉన్న జర్నలిస్టుల సమస్య రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు హైదరాబాద్ జిల్లా కమిటీ తరఫున మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి ఆయన నివాసంలో సమస్యలతో కూడిన వేదిపత్రాన్ని అందజేయడం జరిగింది. మార్చి 23, 2020న విధులను ముగించుకుని ఇంటికి వెళ్తున్న దివంగత ఆంధ్రజ్యోతి తీవ్రంగా ఖండించాయి. అంతేకాకుండా ఈ సంఘటనను డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి సదరు ఎస్ఐకి నోటీసు పరిస్థితుల్లో జర్నలిస్టుల సంక్షేమంతో పాటు సామాజిక స్పృహతో ముందుకెళ్లి టీయూడబ్ల్యూజే పురిటిగడ్డ పురిటి బిడ్డ ఎచ్యూజే నిరుపేద అభాగ్యులకు ఆకలి కేకలను బసిగట్టి వెంటనే తమ శ్రేయ బ్లాస్ట్ల సభ్యులు 20న కరోనా వార్తలను ప్రసారం చేసిన 2 న్యూస్ ఛానళ్ల ప్రతినిధులపై నేరడు అక్రమంగా నమోదు చేసిన కేసులు ఎక్కువేయాలని టీయూడబ్ల్యూజే ఎచ్యూజే ప్రతినిధి బృందం కల్పారూప్లోని అమరవీరుల స్థూపం వద్ద అమరులకు కరోనా మృతులకు జర్నలిస్టులకు నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. జూన్ 13, 2020 ఆదుకోవడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యాన్ని నిరసిస్తూ టీయూడబ్ల్యూజే ఆధ్వర్యంలో బషీర్బాగ్ యూనియన్ కార్యాలయంలో జర్నలిస్టుల ఉపవాస దీక్షలో హెచ్యూజే పాల్గొంది. కరోనా విపత్తు కష్టకాలంలో ఎదుర్కొంటున్న లోకల్ రిపోర్టర్లకు మనసంగా ఉండగా తెలిసింది. ఇందులో భాగంగానే జూలై 13, 2020 ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థ సహకారంతో బషీర్బాగ్ లోని మన 2020 టీయూడబ్ల్యూజే సంక్షేమంపై सरकार स्टेट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का आज हैदराबाद यूनिट का दूसरा जलसा मीडिया प्लस कॉन्फ्रेंस हॉल में बहुत ग्रांड से चल रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में हम थोड़े इम्पॉर्टेंट इश्यूज पे डिस्कस करें और उस पर रेजोल्यूशन भी लेकर आए हैं। स्पेशली जो तेलंगाना गवर्नमेंट हर इलेक्शन में मैनिफेस्टो में जो लगाए थे, हर रिपोर्टर को घर देंगे, मकान देंगे और ज़मीन देंगे, उस मैनिफेस्टो के वादे को पूरी करो, जो इलेक्शन के वादे को आप पूरी करो। और वैसे ही आज हेल्थ कार्ड न रहने से जर्नलिस्ट के जान को भरोसा नहीं है। तेलंगाना स्टेट तेलंगाना फाउंडेशन के बाद 500 जर्नलिस्ट तेलंगाना स्टेट में इंतकाल हो गया। उनके बीवी बच्चे बेचारे आज तकलीफ़ों में जी रहे हैं। आज एक रिपोर्टर को एक हेल्थ की तकलीफ़ आई तो वो उनके फाइनेंशियल हालत से गवर्नमेंट के दवाखानों के पीछे फिर रहे हैं। अपनी मिजाज को उन्होंने हज़ारों रुपए लाखों रुपए लगा के उन्होंने मिजाज को ठीक नहीं कर लेने का पोजीशन आज तेलंगाना के जर्नलिस्टों को है, स्पेशली हैदराबाद में भी। आप हैदराबाद में ये बीच में एक दो उर्दू जर्नलिस्ट भी उनके ट्रीटमेंट को लाखों रुपए खर्च नहीं कर सके, उनके इंतकाल भी हो गया उनका। उसमें जुनेद मुल्तानी हो, ओल्ड सिटी के रिपोर्टर, और वैसे ही अपने खैसर अहमद ऐसे रिपोर्टर्स भी इंतकाल हो गए। यही नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे इंसिडेंट्स बहुत हो रहे हैं। हम इसलिए हमारे एक हैदराबाद कॉन्फ्रेंस से, HUJ के कॉन्फ्रेंस से हम गवर्नमेंट से एक गुजारिश कर रहे हैं कि 100% हेल्थ स्कीम को इमीडिएटली स्टार्ट करना। तेलंगाना स्टेट में हर जर्नलिस्ट को हेल्थ कार्ड देना, जो अक्रेडिट करस्पॉन्डेंट को देते उनको हेल्थ कार्ड आप लोग किसी हाल देना बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। और दूसरी बात ये रही, आज DOs क्या कि मेहरबानी से सर्कुलर्स दे रही कि फ्री एजुकेशन जर्नलिस्टों के बच्चों को, वो जो सर्कुलर को अपने लोगों लग जाके जो स्कूल्स में दिए तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे स्कूल्स वाले। हमको चाहिए जीवो स्कूल्स में ये सर्कुलर नहीं चाहिए, वो मेहरबानी से दिए बोल के बहुत स्पेशली कॉरपोरेट स्कूल्स वाले उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। इसलिए हमारा रेजोल्यूशन यही है कि 100% गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट लेना। जर्नलिस्ट बोले तो वो बड़े क्या लाखों करोड़पति के प्रोफेशन वाले ना होते, उन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जीने के फैमिलीज है। इसलिए BPL के नीचे राइट टू एजुकेशन एक्ट के नीचे उन लोगों को 100%
एजुकेशन, फ्री एजुकेशन कॉरपोरेट स्कूल्स में भी देना ही बोलकर हमारे एचयूजे का कॉन्फ्रेंस आज रेजोल्यूशन को पास किया। और थर्ड इज इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इंडिया में 16 स्टेट्स आज रिटायर्ड जर्नलिस्टों को पेंशन दे रही, वो 5,000 से लेके 15,000 तक पेंशन दे रही, वही पेंशन स्कीम तेलंगाना स्टेट में भी इम्प्लीमेंटेशन करना। 8 दिन पहले ही तमिलनाडु की गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर स्टालिन 10,000 रुपये रिटायर्ड जर्नलिस्टों को पेंशन देते हुए अनाउंस किए, ऑलरेडी आइडेंटी करके जर्नलिस्टों को पेंशन के चेक भी दिए। वो उसको अपन एक बोल तो गोल्डन तेलंगाना बोल के अपन जा रहे हैं। ये नया स्टेट है, ये तेलंगाना स्टेट ऐसे वेलफेयर एक्टिविटीज़ में स्पेशल के मीडिया को वेलफेयर एक्टिविटीज़ में इंडिया में अपन रोल मॉडल रहना। मेरी गुजारिश मुख्य चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से है, 100% पेंशन के बारे में भी आप लोग सोचना बोल के हमारा एचयूजे रेजोल्यूशन पास किया। और उसी तरह तेलंगाना के मूवमेंट में स्मॉल और मीडियम पेपर्स मैगजीन्स उन बहुत रात दिन मेहनत किए, रात दिन मूवमेंट में इन्वॉल्व हुए, अपने जानों को भी हिसाब नहीं करके वो सामने सामने गए और केसों को नहीं डरे, पुलिस स्टेशनों में डाले तो भी केसा बनाए तो भी स्मॉल मीडियम पेपर मैगजीन्स वाले वो करे। और तेलंगाना मूवमेंट कैसा चल रहा कब का जब उन्होंने रिपोर्टिंग भी किए स्मॉल एंड मीडियम पेपर्स में, आज उन लोगों को छोटी नज़र से देखना वो करेक्ट बात नहीं है। उन लोग तेलंगाना आए तो हमारी जिंदगियाँ बन जाते बोल के बेचारे बहुत सोचे चीफ मिनिस्टर साहब और यहाँ की गवर्नमेंट स्मॉल एंड मीडियम पेपर्स को भी इंसाफ करना बोल के आज हम वो रेजोल्यूशन पास किए। और आप मैं खुशी से एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि तेलंगाना स्टेट में आज इंडिया में ही हाईएस्ट अक्रेडेशंस दिलाए सो स्टेट अपना तेलंगाना स्टेट में 22,000 अक्रेडेशंस को अपने TUWGA के रेजोल्यूशन से लड़के अपन डिस्ट्रिक्टों में 33 डिस्ट्रिक्ट में अपन दिलाया गया है। उसमें स्पेशली मैं हैदराबाद में अपन 500 उर्दू जर्नलिस्टों को भी अक्रेडेशन कार्ड दिलाने में अपना यूनियन बहुत कोशिश की और थोड़े जनों को भी अभी तक 3 फेज अक्रेडेशन कमिटी मीटिंग्स हुए, ऑलमोस्ट ऑल 85-90% अक्रेडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उन लोग कार्ड आ गए। और बचे थोड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन थोड़े थोड़े मीडिया में जर्नलिस्टों को कार्ड्स आने का है, वो ये हमारे 3 मीटिंगों के बाद हमारे नोटिस में ये बात आई। इसलिए मैं उन लोगों को भी वादा कर रहा हूं कि डेफिनेटली वीक 10 डेज में हम INPR कमिश्नर से मिलेंगे, मिलकर स्पेशल मीटिंग लगा के जो भी पेंडिंग में एक्रेडिशन कार्ड्स है उनको हम दिलाने की हमारी तरफ से कोशिश करेंगे। शुक्रिया।